चलिए आज हम बनाते हैं बैंगन का भरवा। इसके लिए छोटे छोटे जो ये वाले बैंगन होते हैं, ये वाले हमें चाहिए। ये बिल्कुल छोटे होते हैं साइज़ में। इनको इस तरीके से बीच से काट के चेक कर लेना है कि कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। बस इस तरीके से अच्छे से धो लेना है, फिर काटना है। और इसकी जो डंडियाँ बड़ी बड़ी सी हैं, इसको भी थोड़ा सा साइड से काट के निकाल देना है। इस तरह से बस इसको इसी तरीके से काटना है ताकि इसके अंदर मसाले अच्छे से फिल हो सकें। अब मैंने एक टमाटर लिया है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1.5 से 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च है, फिर ज़ीरा पाउडर है 1/2 चम्मच, और ये लाल मिर्च पाउडर है, और स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच के करीब। मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। इस सबको अच्छे से डालकर पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मसाला बनाने से ये होता है कि मसाला अच्छे से पकता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और जलते भी नहीं है मसाले। पानी डाल के कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, मस्टर्ड ऑयल ही डाला है मैंने। फिर उसके अंदर हम ये मसाले डाल देंगे और इनको धीरे धीरे पकाते रहेंगे। टमाटर भी गल जाने चाहिए अच्छे से। इस तरीके से उनको ढक ढक के पकाते रहेंगे। थोड़ी देर बाद ये इस तरह से हो जाएगा। इसको इसी तरह से ढक ढक के पकाते जाना है ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल जाएं। फिर धीरे धीरे ये पानी भी सूख जाएगा, फिर इस तरह से तेल छोड़ता चला जाएगा। तो आप समझ लेना कि ये मसाला पक गया है अच्छे से। इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद इसको बैंगन में भरेंगे। मैंने 5 मिनट इनको ठंडा रखा है। अब इसको इसके अंदर फिल करेंगे, क्योंकि गरम गरम इनको फिल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलिए इनको भरते हैं। मसालों को हाथ से ही भरेंगे, हाथ से भरना ज़्यादा ईजी रहता है। थोड़ा थोड़ा मसाला लेते जाएंगे और इस तरह से उसके अंदर दबा दबा के अंदर तक उसको डालते जाएंगे। चारों तरफ जहाँ जहाँ हमने कट लगाया है उस तरफ से उसको भरते हुए जाएंगे। सबको ऐसे ही भर के तैयार कर लेंगे। अब ये सारे बनके तैयार हो गए। अब इनको हम तेल में पकाएंगे। बैंगन को धीमी आंच पे ही पकाएंगे। देखिए इस तरीके से लग रहे हैं सारे बैंगन। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करें। देखिए तेल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, अब उसके अंदर सारे डाल दूंगी। थोड़ा सा ऊपर से नमक बैंगन को पकाने के लिए। इनको ढक ढक के पकाते जाएंगे, फिर उसको पलट लेंगे। फिर दूसरी साइड भी हम थोड़ा नमक छिड़क देंगे। देखिए इस तरीके से हो गए हैं ये बैंगन। ये थोड़े थोड़े पक गए हैं, थोड़ा सा और इनको पकाएंगे हम। इनको लो फ्लेम पे ही पकाना है। देखिए पक गए हैं ये अच्छे से। अब ये बन के रेडी है। एक बार ज़रूर आप इसे ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में।